गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलीपार थाना के महावीर छपरा चौराहे के पास शनिवार की भोर में पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ने निकली तीन लड़कियों को गिट्टी लदे ट्रक ने रौंद दिया। दो लड़कियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि तीसरी लड़की को बेलीपार पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया है। आपको बता दें, महावीर छपरा चौराहे पर शनिवार की सुबह घर से रोज की भांति छह लड़कियां दौड़ने के लिए इकट्ठा हुई। भोर में लगभग 5:30 बजे नेशनल हाईवे 29 पर महावीर छपरा चौराहे से वह दौड़ लगा रही थी कि इसी बीच जोरदार आवाज़ हुई। चौराहे के लोग किसी बड़ी अनहोनी की आशंका के बाद घरों से बाहर निकले तो सड़क का मंजर देखकर सबका कलेजा कांप गया। तीन लड़कियों को ट्रक ने कुचल दिया जिसमें 18 साल की रीमा गुप्ता, पुत्री हनुमान प्रसाद निवासी तमलिया थाना गोला व 17 साल की श्रेजल वर्मा, पुत्री विनय वर्मा निवासी महावीर छपरा थाना बेलीपार, दोनों के सिर पर ट्रक का पहिया चढ़ गया था। उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई जबकि तीसरी लड़की 17 वर्षीय प्रिया वर्मा, पुत्री अजय वर्मा निवासी महावीर छपरा को भी चोट आई है। रीमा अपने ननिहाल महावीर छपरा में रहती थी। मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने घायल को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं तीन अन्य लड़कियाँ करीना 14, नेहा 18 वर्ष, जानू 15 वर्ष, पुत्री देवानंद चौधरी कुछ दूरी पर थीं, लिहाजा वह बच गईं। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक को बेलीपार पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस संबंध में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर 279, 338, 339, 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्रक पुलिस के कब्जे में है, चालक की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। जल्द ही ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, एक वहाँ आज बेलीपार में अर्ली मॉर्निंग दो लड़कियां टहल रही थी, एक ट्रक ने उसे कुचल दिया है जिससे कि उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। इसमें उन पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। ट्रक का जो चालक है वो फरार हो गया है और ट्रक को बरामद किया गया, ट्रक थाने पे खड़ा करा लिया गया है।